अच्छा अच्छा बस करो, बस अभी तो काम की बातें मत करो। वैसे बच्चे के रोते ही तुम पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने वाली थी। अगर आज मैं आपके साथ नहीं होती तो उस बच्चे को आप कभी नहीं संभाल सकते थे, समझे गुराज सर? तुम्हारी ये गलत फहमी है हयात, वो बच्चा मेरी गोद में आते ही सो गया था। हाँ। अच्छा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो बच्चा आपकी गोद में आने की वजह से सोया है? देखो आम हालत में तुम एक बेहतर इंसान हो सकती हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एज अ पेरेंट तुम थोड़ी वीक हो, कुछ केसेस में थोड़ी तवज्जो चाहिए होती है, और अगर तुम मेरे साथ रही तो हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं मैं ले आता हूँ। अरे नहीं क्यों, मैं बोलती हूँ ना, आप भूल गए क्या, चाय मेरी तरफ से थी और सूप आपकी तरफ से, और आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं चाय पिलाने के बाद सूप नहीं मांगूंगी। सो गया था क्या? हाँ बिल्कुल उस बच्चे की तरह। और तुम? किसी एक को तो जागना था इसलिए मैं नहीं सोई। ओह ये क्या हो गया मुझसे, तुमने भी नहीं उठाया मुझे। हाँ नहीं उठाया मैंने। साहिल की फ्रेश एयर लेना सेहत के लिए अच्छा होता है, वैसे आप सोते वक्त बहुत भयानक आवाजें निकालते हैं मुराद सर। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही है, और बिल्कुल बच्चों की तरह सोते हैं। बच्चों की तरह क्या मतलब? अरे जैसे बच्चे सोते हैं वैसे सो रहे थे। खैर पता ही नहीं लगा कब आंख लग गई। मालूम है जब मैं चाय लेके आई तो आप सो चुके थे, फिर भागता हुआ वो चाय वाला बच्चा आया और कहने लगा कि जलजला आ रहा है, मैंने बोला नहीं ये बस कराटे ले रहे हैं। Love's an anlamar.